हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडियो सो इन द टूडज़ वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक्स बिजनेस साइकिल्स एंड द फाइव ईयर प्लान्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी हम एक प्ले लिस्ट बना रहे हैं ऑन इकोनॉमिक्स फॉर एस एस सी इस प्ले लिस्ट में आर गोइंग टू कवर ऑल द टॉपिक्स जो भी आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एस एस सी के एग्जाम्स में आ सकते हैं चैनल पे इससे बहुत इसी टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी हैं प्लीज़ डू वॉच देम सो जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस साइकिल क्या होता है बिजनेस साइकिल होता है कि, कि किसी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में अप्स एंड डाउन ज़रूर आते हैं ये मोरली ये मेजरली देखे जाते हैं द कैपिटलिस्ट इकॉनॉमी वैन ऐसी कैपिटलिस्ट इकॉनमी मतलब एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का बहुत ही मेजर रोल है या मिक्स्ड इकोनॉमी में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स यानी कि पीरियॉडिक अप एंड डाउन्स देखे जाते हैं तो द स्टडी ऑफ दीज अप्स एंड डाउनस इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ बिजनेस साइकिल्स या ट्रेड साइकिल्स या फिर इंडस्ट्रियल फ्लक्चुएशन ठीक है बिजनेस साइकिल्स है क्या बिजनेस साइकिल रेफर्स टू दिलेशन ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है आगे पीछे ऊपर नीचे राइट सो इट रेफर्स टू दसीशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं जैसे कि एम्प्लॉयमेंट आउटपुट इनकम तो इन चीज़ों में जब हमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव दिखता है तो उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं ये एक इनहेरिट इनहेरेंट है यू कैन नॉट अवॉइड दिस ये चीज़ें आनी ही आनी है क्योंकि जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है ऊपर जाती है दे विल कम अ टाइम वेन इट विल फॉल डाउन एज वेल ऐसा कभी भी नहीं होता कि स्ट्रेट लाइन में ऊपर चीज़ जाती जा रही जाती जा रही दैट मीन्स समथिंग इज़ वेरी मच रॉन्ग सो इट इज़ एन इनहेरेंट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनर्जाइज़ करता है राइट right? तो ये जो फ्लक्चुएशन हैं पीरियडिकल हो सकती हैं इनकी इंटेंसिटी डिफ्रेंशिएट कर सकती है हो सकता है बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले जाए हो सकता है थोड़ी सी ऊपर जाए और बहुत ही ज़्यादा नीचे आए सो द इंटेंसिटी कैन वेरी राइट जो फ्लक जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं देयर आर फोर टाइप्स बूम रिसेशन डिप्रेशन एंड रिकवरी ठीक है types, boom, recovery, इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं सो so बूम बूम से पता चल रहा है इट इज़ अ स्ट्रॉग अपवर्ड फ्लक्चुएशन अपवर्ड है एकदम से बूम आ गया राइट right? तो यहाँ पे क्या होता है फुल एम्प्लॉयमेंट है मूवमेंट ऑफ इकॉनमी है इनफैक्ट समटाइम ऐसे भी होता है कि हम बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट काम कर रहे हैं इसे हम बूम पीरियड बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है इकॉमी में हेक्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वेजेस बढ़ रहे हैं प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जा रहे हैं इन्फ्लेशन भी जा रहे हैं बैंक क्रेडिट्स को इजीली दे रहा है दैट मीन्स बैंक लोन्स को बहुत इजीली प्रोवाइड कर रहा है लोगों को कि हाँ काम करो तो बेसिकली एक ऑल राउंड ऑप्टिमिज्म है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है इसे हम बूम पीरियड बोलते हैं ऑब्वियसली बात है ये फॉर एवर लास्ट नहीं कर सकता ऑफकोर्स देर इज़ अ बलून गोइंग ऑन ऑफकोर्स ऐसा होगा कि कहीं ना कहीं कही कही बर्स्ट आएगा बिकॉज इकोनॉमिक्स में एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है सम्बड इज़ एक्सपेंसिज समबड़ इज अर्निंग तो अगर हर कोई अर्न करता चला जा रहा है दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग्स इट हैज़ टू बी सम एक्सपेंस तो कभी ना कभी ये बबल जो है ये बर्स्ट होगा ही होगा एंड तब आता है हमारा रिसेशन पीरियड तो रिसेशन पीरियड होता है इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ द बूम पीरियड मतलब बिल्कुल टॉप पे जाके जब वो नीचे आना शुरू हो जाए तो हम उसे रिसेशन कहते हैं जनरली कोई ना कोई बबल बर्स्ट होगा किसी ना किसी कंपनी ने या किसी ना किसी बैंक ने कुछ ना कुछ फ़्रॉड किया होगा यू नो फेक अकाउंट्स होंगे या फेक फेक यू नो लोन्स दिए होंगे या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होगा और ये एक रिसेशन के फेस की बिगनिंग होती है इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट्स ड्रास्टिकली रिड्यूस होने शुरू हो जाती हैं प्रोडक्शन कम होती है इनकम प्रॉफिट्स डिक्लाइन हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में एक पैनिक दिखता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में एक डलनेस आ जाती है एंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस राइज इन द पीपल इसका मतलब लोग जो हैं अब अपने पास कैश रखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव लॉस्ट द ट्रस्ट इन द मार्केट उनको नहीं पता कि कब तक तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस हो उनकी इन्वेस्टमेंट सारी की सारी खत्म हो जाए तो लोग क्या करते हैं सारे के सारे पैसे निकालने शुरू कर देते हैं और अपने पास कैश रख के बैठ जाते हैं कि जब मार्केट वापस से बूम में जाएगी हम तब इन्वेस्ट करेंगे तो इस तरीके से रिसेशन पीरियड की शुरुआत होती है आफ्टर द रिसेशन कम्स डिप्रेशन डिप्रेशन होता है बेसिकली बिल्कुल ही लोएस्ट पॉइंट बिल्कुल इकोनॉमी अपने लोवेस्ट पे आ गई है सो द इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकम्स एक्सट्रीमली लो लॉ फॉर्म्स में लॉसिज हो रहे हैं इनफैक्ट बिजनेस क्लोजर्स बिजनेसिस बंद होने शुरू हो गए हैं इट्स इट बिकम्स वेरी वेरी कॉमन अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट होती है इंटरेस्ट बढ़ रहा है प्रॉफिट्स और वेजेस कम होते चले जाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा हिट होता है एग्रीकल्चरल सेक्टर और सैलरी बेस्ड सेक्टर वो लोग जो कि वेजेस बेस्ड हैं उन पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है बिज़नेस जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोन्स देने में थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाते हैं डिप्रेशन इज़ द वर्स्ट फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल और जब पॉइंट ऑफ डिप्रेशन बहुत ही एक्सट्रीम हो तो हम उसे ट्रॉफ भी कहते हैं इफ़ यू रिमेंबर इन द कोविड पीरियड जो 2020 में जो एक रिसेशन आया था उसे हम डिप्रेशन पीरियड कह सकते हैं बिकॉज इट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वर एट देयर लोएस्ट बिजनेसेज बंद हो रहे थे पीपल वर लूजिंग देयर जॉब्स एंड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी तो वो एक डिप्रेशन के पीरियड का साइन है केन्स एडवोकेट करते हैं जे, जे आर जो कि बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी दी थी कि डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट की ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेशन में क्या होता है पीपल स्टार्ट पुलिंग देयर मनी आउट लोगों का यू नो स्टॉक मार्केट से या इकोनॉमी से भरोसा उठ जाता है और वो अपना जो कैश है अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स है वापस लेना शुरू कर देते हैं बट इसका रेपरकोशन क्या होता है इससे इकोनॉमी और ज़्यादा डिप्रेशन में जाती है बिकॉज नो बडी इज़ इन्वेस्टिंग बिकॉज एज अ कॉमन मैन एज अ यू नो सिंगल पर्सन हम मैक्रो लेवल पर चीज़ें नहीं देख सकते हमें मैक्रो लेवल पे नहीं दिखाई दे रहा कि हर इंसान पैसे बाहर निकाल रहा है और अगर हर कोई ऐसे करेगा तो इकॉनॉमी बिल्कुल ही स्लम पे चली जाएगी तो इस केस में गवर्नमेंट को आना पड़ता है गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है इवन इन द लॉस मार्केट गवर्नमेंट को आके इकोनॉमी में पैसे पम्प करने पड़ते हैं और तभी इकोनॉमी डिप्रेशन से ऊपर आना शुरू होती है राइट देन कम्स द रिकवरी पीरियड ये होता है टर्निंग पॉइंट फ्रॉम द डिप्रेशन मतलब अब एक रिवाइवल आ रहा है और एक अपस्विंग हमें इकोनॉमी में दिखने को मिलता है कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि गवर्नमेंट नहीं करती ऑटोनॉमस का मतलब क्या होता है ऑटोनॉमस मीस यू नो फ्लैट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस पे या इकॉनॉमी पे रिलाई नहीं कर रही गवर्नमेंट सिर्फ पैसे पुल कर पंप कर रही है इकोनॉमी में क्योंकि इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करना है तो उसे हम बोलेंगे ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ठीक है डिमांड धीरे धीरे पिकअप करनी शुरू करती है एक अप आ रहा है प्रोडक्शन बढ़ेगी प्रॉफिट वेजेज एम्प्लॉयमेंट्स इनकम्स ये सब बढ़ने शुरू होती हैं और ये जो रिकवरी है ये जनरली गवर्नमेंट ही इनिशिएट करती है बाय द वे ऑफ इन्वेस्टमेंट्स और इनोवेशन तो ये होते हैं चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स तो यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डू टूडे इज द इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे की जाती है इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है ये एक प्रोसेस है बेसिकली एक प्लान है जो हम बनाते हैं फॉर आर इकोनॉमी हम यहाँ पे एक डिज़ायर्ड टारगेट्स डालते हैं मतलब वी वी यू नो सेट नंबर्स यहाँ पे हम अपनी इकॉनमी को आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम देखना चाहते हैं सो वी अचीव वी यू नो ट्राई टू मेक टू अचीव द डिज़ायर टारगेट्स विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम ठीक है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1948 में इंडिया में इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 को डिक्लेयर किया गया था ओवर द टाइम बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आई हैं बट दिस वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस पॉलिसी ने सजेस्ट किया कि हमें एक नेशनल प्लानिंग कमीशन को बनाना चाहिए जो कि मिक्स्ड इकॉनमी के के दायरे में रह के इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्लान स्ट्रक्चर बनाएगी अब ऐसा नहीं है कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ये हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टार्ट की इंडिपेंडेंस से पहले भी काफ़ी एफर्ट्स लिए गए थे कि इकोनॉमिक प्लानिंग के ऊपर काम किया जाए तो इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई इन 1934 सर एम विश्वेश्वर राय एक प्रोमिनेंट इंजीनियर और पॉलिटिशियन थे इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया उसमें इन्होंने एक इंडिया का इकोनॉमिक प्लानिंग स्ट्रक्चर दिया था इट वॉज अ ईयर प्लान इन 1938 थर्टी एट जवाहरलाल नेहरू ही सेटअप द नेशनल प्लानिंग कमीशन लेकिन क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉल की सैनारी की वजह से पोलिटिकल एरा बहुत ज़्यादा वॉलिटाइज था द इकोनीज़ व नॉट यू नो स्टेबल तो ये प्लान मटेरियलाइज नहीं हो पाया 1940 में बॉम्बे के एट बड़े इंडस्ट्रीज ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान बनाया जो कि एक फिफ्टीन ईयर इन्वेस्टमेंट प्लान था दैन नाइनटीन फोर्टी फोर एस एन अग्रवाल ने एक गांधीन प्लान बनाया इसे गांधीन प्लान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें मेजर फोकस एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर पे था दैन एम एन रॉय नाइनटीन फोर्टी फाइव ये अगेन राफ्ट अ पीपल्स प्लान यहाँ पे भी एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन बाई स्टेट पर ज़्यादा फोकस डाला गया देन जे पी नारायण इन नाइनटीन फिफ्टी ये अगेन क्यों विद सर्वोदय प्लान ये वाला प्लान भी गांधी हम प्लान से ही इंस्पायर था अगेन क्यों क्योंकि यहाँ पर भी एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा फोकस था तो बहुत सारे इकनॉमिक प्लानिंग्स की कोशिश की गई थी इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा एज वेल लेकिन क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज इन मेजर पावर तो ये इन सब प्लान्स को बहुत ही अच्छे से वेल एग्जीक्यूट नहीं किया गया बहुत अच्छे से ये प्लान्स कैरी फॉरवर्ड नहीं किए गए देफो आफ्टर इंडिपेंडेंस नाइनटीन फर्स्ट टाइम नेशनल प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट तो प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन का रोल का ये आइडियोलॉजी थी कि हम फाइव ईयर प्लान सेट करेंगे इंडिया के लिए नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंट जब भी हम फाइव ईयर प्लान्स की बात करते हैं इसका मतलब हम एक फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनाएंगे फिर हम सेकंड फाइव ईयर प्लान बनाएंगे और हम इन दोनों प्लान्स को कंपेयर करेंगे आपस में यानी कि हम हर साल अपनी ग्रोथ को कंपेयर नहीं करेंगे हम पाँच साल बाद हर पाँच साल बाद अपनी ग्रोथ को कंपेयर करेंगे बिकॉज इंडिया जैसी कंट्री में इतनी वास्ट कंट्री में इतने ज्यादा स्टेट्स हैं इस कंट्री में हर साल इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करना या कंपेयर करना वॉज नॉट पॉसिबल सो वी केम अप विद अ फाइव फाइव ईयर प्लान सिस्टम इन इंडिया तो प्लानिंग कमीशन ने 1950 में इसको स्टार्ट किया तो यहाँ से हमारा फर्स्ट फाइव ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951 में राइट सो फ्रॉम 1951 टिल 1956 वाज़ द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जवाहरलाल नेहरू जो कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन नाइनटीन टू में जब बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई तब उन्होंने टू में प्लानिंग कमीशन को रिमूव करके नीति आयोग को सेटअप किया एंड उस टाइम पर हमारा ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान चल रहा था फ्राम टू थाउजेंड ट्वेल्व टू टू थाउजेंड सेवेंटीन और उसे वहीं पर बंद कर दिया गया एंड दैट वॉज अ लास्ट फाइव ईयर प्लान वी हैड राइट सो जो कॉन्सेप्ट है फाइव ईयर प्लान का ये रशिया से डिराइव किया गया था वहाँ पर भी फाइव ईयर प्लानिंग होती थी इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया ट्वेल्व फाइव ईयर प्लान लॉन्च हुए हैं टू थाउजेंड ट्वेल्व से लेकर सेवनटीन वाला हमारा लास्ट फाइव ईयर प्लान था क्यों क्योंकि उस ईयर में प्लानिंग uh, कमीशन को डिसमेंटल कर दिया गया कर दिया गया और नीति आयोग एक नई आइडियोलॉजी के साथ आया उसके बारे में हम लेटर में डिस्कस करेंगे सो लेट्स टॉक अबाउट द फाइव ईयर प्लान ऑफ इंडिया ना वन बाई वन पहला आता है द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान नाइनटीन फिफ्टी वन टू नाइनटीन सिक्सटी ये जो प्लान है ये हेरड डोमर मॉडल के ऊपर बेस्ड है अब हैरड डोमर मॉडल क्या कहता है सबसे पहला इनका एक जो बहुत ही बेसिक इनके जो मॉडल की आइडियोलॉजी है इट वॉज देट कि नेचुरली अगर हम इकोनॉमी में प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो नेचुरली हमारी इकोनॉमी ग्रो तो करेगी बाय द वे ऑफ मार्केट फोर्सेज लेकिन वो एक बैलेंस्ड ग्रोथ नहीं होगी दैट मीन्स गवर्नमेंट की इंटरफेयरेंस जरूरी है गवर्मेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये इनकी थ्योरी है इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स कैपिटल अक्यूमिलेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ डिटेल में इस थ्योरी को पढ़ने की जरूरत नहीं है सिर्फ ये नाम याद कर लो ये क्वेश्चन आ सकता है ऑन वॉट मॉडल वॉज द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बेस्ड और हेरड डॉमर मॉडल इंस्पायर्ड विच फाइव ईयर प्लान राइट सो इट वॉज द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इसका मेजर फोकस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था तो इसीलिए बहुत सारे इरिगेशन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट जैसे कि भागरा नंगल डैम हीराकोट डैम इनको स्टार्ट किया गया uh, इस प्लान में अबाउट फोर्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द प्लान आउटले वॉज इन देवर्स फेवर ऑफ़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ठीक है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को भी सेटअप किया गया ये प्लान एक सक्सेसफुल प्लान था जो हमारा ग्रोथ टारगेट था हमने उससे ज़्यादा अचीव किया एंड वी अचीव द ग्रोथ रेट ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स परसेंट नाउ बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट लेट मी टेल यू अ सिचुएशन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन नाइनटीन फोर्टी सेवन तो गवर्नमेंट का उस टाइम पे मेजर रोल था कि द शैटर्ड पीसेस ऑफ द इकोमी हमारी इकॉनॉमी बिल्कुल ही शैटर्ड पीसेस में थी उसको इकट्ठा करके एक ग्रोइंग इकोनॉमी में बनाना है इंडिया वॉज मोस्ट इन द स्लम द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेफ्ट द बिट्स एंड पीसीज ऑफ द गवर्नमेंट तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि प्राइवेट सेक्टर के उस पास जितनी पावर्स हैं उसे वापस लिया जाए एंड लिटरली द इंडियन गवर्नमेंट क्लोज इट्स डोर टू द आउटसाइड वर्ल्ड बाहर की दुनिया के लिए कोई भी फोकस नहीं था द मेन पर्पज़ वॉज कि अभी हम क्योंकि उस टाइम पर इकानमी बहुत ज़्यादा वलरेबल थी इट वॉज अ वलरेबल इकॉनमी एंड यू नो वी हैव जस्ट गॉट इंडिपेंडेंस सो दैट इज़ वाई शुरू के प्लान्स में आपको कहीं पर भी यू नो एक्सटर्नल सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा फोकस नहीं पे दिखाई नहीं देगा ओवर द टाइम यू कैन सी कि हाँ प्राइवेट सेक्टर पे टेक्नोलॉजी पे फोकस आ रहा है बट शुरू के प्लान्स में आपको मेजरली एग्रीकल्चरल सेक्टर या डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ही फोकस दिखेगा सो द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान मेजरली फोकसड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्लियर देन कम्स द सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो कि नाइनटीन से नाइनटीन में आया दिस वॉज बेस्ड ऑन पी सी महालनविस मॉडल प्रसन्ता चंद्रा महालनोबिस मॉडल अब इनका मॉडल क्या कहता है ही बेसिकली फोकस्ड ऑन द मैनुफैक्चरिंग सेक्टर इनकी आइडियलॉजी थी कि अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप होना बहुत ज़रूरी है जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं सो इट्स मेन फोकस फॉज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन मतलब इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो इसलिए स्टील प्लांट्स इन भिलाई दुर्गापुर रोड किला इनको इस्टेब्लिश किया गया ये प्लान भी एक सक्सेसफुल प्लान था और जो हमारा ग्रोथ रेट था उस टाइम पे फोर पॉइंट वन परसेंट था क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको पहले बताया क्योंकि हम एक क्लोज इकॉनमी में काम कर रहे थे ऐसा नहीं कि इंडिया डिक्लेयर इट सेल्फ एज अ क्लोज इकॉनॉमी बट स्टिल जिस तरीके के प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे थे वो एक क्लोज इकॉनमीमी के ही प्रिंसिपल्स थे क्योंकि ये क्लोज इकॉनमी थी तो शॉर्टेज ऑफ फूड और कैपिटल की नीड यहाँ पर दिखाई दी वह आई से एक क्लोज इकॉनॉमी और वैन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इसका मतलब गवर्नमेंट सब कुछ अपने अंडर करना चाहती है गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के अंडर कुछ नहीं करना चाहती सो ऑल दो इट वॉज अ मिक्सड इकॉनमी बट स्टिल वी वर समहाउ वर्किंग एज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी दैन कम्स द थर्ड फाइव ईयर प्लान ये नाइनटीन सिक्सटी वन से नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में आया द थर्ड फाइव ईयर प्लान इज कॉल्ड द गार्डगिल योजना धनंजय रामचंद्रा गार्डगिल ठीक है इनका आइडियोलॉजी थी कि सेंटर को स्टेट की हेल्प करना बहुत जरूरी है द मेन टारगेट ऑफ द प्लान वॉज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट एंड टू रीच अ सेल्फ प्रोपेल्ड पोजिशन और टेक ऑफ ठीक है तो सेंटर जो है वो स्टेट की हेल्प करेगा फॉर द बैलेंस ग्रोथ ऐसा नहीं है कि एक स्टेट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और एक स्टेट में ग्रोथ नहीं हो रही है दिस प्लान एम टू इंक्रीज़ द नेशनल इनकम बाई थर्टी परसेंट एंड प्रोडक्शन बाई थर्टी परसेंट क्योंकि यहाँ पे इंडो चाइना वॉर हुआ था इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव तो ये प्लान अपना ग्रोथ टारगेट अचीव नहीं कर पाया एंड वी अचीव द ग्रोथ ऑफ फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट एज यू कैन सी ओवर द ईयर्स हमारे ग्रोथ टारगेट्स भी बढ़ते चले जा रहे थे सो बिकॉज दे वॉज अ वॉर इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव और जब भी वॉर होता है एक इकोनॉमी में बहुत डिस्टर्बेंस आती है गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज होते हैं वो जिन चीज़ों के लिए होते हैं वहाँ ना लग के वॉर्स की तरफ ज़्यादा लगते हैं और इसीलिए वी वर नॉट एबल टू अचीव द टारगेट अब आता है प्लान हॉलीडे अब ये प्लान हॉलीडे क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया था अगर हम फाइव ईयर प्लान्स बना रहे हैं तो उसका पर्पज़ क्या है कि एक फाइव ईयर प्लान को हम दूसरे फाइव ईयर प्लान से कंपेयर करेंगे अब क्योंकि यहाँ पे 1965 में इंडिया में वॉर हुई थी दैट मीन्स द सिचुएशन वॉज नॉट नॉर्मल तो अब इस केस में थर्ड फाइव ईयर प्लान को फोर्थ फाइव ईयर प्लान से कंपेयर करना या yeah, इनफैक्ट अगर हम फोर्थ फाइव ईयर प्लान भी बनाते हैं नाइनटीन में तो शायद वो प्लान उतना अच्छा नहीं फॉमुलेट हो पाता बिकॉज वी जस्ट हैड अ वॉर एंड अगेन 1967 वी अगेन हैड अ वॉर विद पाकिस्तान आल्सो तो क्योंकि ये ईयर जो थे हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए वलनरेबल ईयर्स यहाँ पे फाइव ईयर प्लानिंग नहीं हुई तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती हैं तब गवर्नमेंट क्या करती है गवर्नमेंट एनुअल प्लान बनाती है कि हम सिर्फ एक साल की प्लानिंग करेंगे हमें नहीं पता इकानमी में आगे क्या होगा देन वैन द सिचुएशन गेट नॉर्मल वी कैन अगेन रिजॉर्ट बैक टू फाइव ईयर प्लान्स तो क्यों बिकॉज ऑफ द इंडो चाइना वॉर एंड बिकॉज ऑफ द इंडिया पाकिस्तान वॉर एंड बिकॉज ऑफ दिस दे वॉज अ फेलियर ऑफ द थर्ड प्लान द फोर्थ फाइव ईयर प्लान डिड नॉट केम इन टू पिक्चर जस्ट दैट टाइम पीरियड तो इसलिए प्लान हॉलीडे आया एंड वी हैव थ्री एनुअल प्लान्स तो यहाँ पे तीन प्लान्स बनाए गए हर साल के लिए नाइनटीन सिक्सटी सिक्स सिक्सटी सेवन सिक्स सेवन टू सिक्सटी एट एंड सिक्स एट टू सिक्सटी नाइन ठीक है अगेन यहाँ पे मेजर प्रायोरिटी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही दी गई जो कि हमारे फर्स्ट टू प्लान्स में थी then 1969 came the fourth plan right so fourth plan सो फोर्थ प्लान इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था स्टेबिलिटी प्रोग्रेसिव अचीवमेंट सेल्फ रिलायंस यहीं पर आकर फोर्टीन मेजर बैंक को नेशनलाइज किया गया था इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया नेशनलाइज का मतलब होता है जब गवर्नमेंट किसी बैंक में 51% परसेंट से ज़्यादा शेयर लेती है तो हम बोलेंगे वो बैंक नेशनलाइज हो गया है तो इसी टाइम पे गवर्नमेंट ने 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया अगेन दिस प्लान फेल्ड एंड कूड नॉट अचीव द ग्रोथ रेट हमारा टारगेट था 5.7 पॉइंट सेवन परसेंट बट वी कूड ओनली अचीव थ्री परसेंट ऐसा क्यों हो रहा था ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज गवर्नमेंट अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेती चली जा रही थी गवर्नमेंट इतनी इतनी बड़ी कंट्री में वैसे भी वी ऑलवेज नीड अ सपोर्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर और ये चीज़ गवर्नमेंट को ओवर द टाइम रियलाइज होनी शुरू हो रही थी देन इन नाइनटीन टू नाइनटीन केम द फिफ्थ फाइव ईयर प्लान इस प्लान में अगेन टॉप प्रायोरिटी दी गई एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड माइंस को यहाँ पे अगेन फोकस आया पॉवर्टी एलिविएशन और सेल्फ रिलायंस सेल्फ रिलायंस की बातें क्या होती हैं कि हम अपने लिए यू नो भरपूर हों बेसिकली इंडिया वॉज एक्सपीरियंसिंग फूड शॉर्टेज ड्यूजिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड बींग एन एग्रीकल्चर कंट्री इट इज़ अ शेमफुल फॉर एनी कंट्री जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है और इसके बावजूद भी अपने ही देश के लोगों के लिए खाना प्रोवाइड नहीं कर सकती तो यहाँ पे इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमारी इकोनॉमी फेस कर रही थी और इसीलिए सेल्फ रिलायंस जैसी चीज़ों को भी हमारे फाइव ईयर प्लान्स में डाला गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ट्वेंटी पॉइंट प्रोग्राम को लॉन्च किया यहाँ पे मेजर फोकस पॉवर्टी पे ही था ओवरऑल ये प्लान सक्सेसफुल था हमारा ग्रोथ रेट टारगेट था फोर और हमने फोर को अचीव किया गया ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉट हैपन नाइनटीन में बीजेपी गवर्नमेंट केम इन टू द पावर लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट पावर में आई थी अलायंस के थ्रू अलायंस में क्या होता है इसमें किसी भी एक पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स नहीं मिलते हैं तो उस केस में जिस पार्टी के पास मैक्सिमम वोट्स होते हैं वो दो तीन पार्टीज़ के साथ मिल के मेजोरिटी वोट्स बनाती है और वहाँ पे वो इलेक्शंस को या एक अपनी सेंटर में दे फॉर्म अ यूनियन तो इस तरीके से बीजेपी पार्टी केम इन टू द पावर और उन्होंने 1978 में आके इस फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को टर्मिनेट किया बट क्योंकि वो एक अलायंस से बनी हुई गवर्नमेंट थी इट कुड नॉट सर्वाइव इट कुड नॉट सर्वाइव फॉर इवन वन ईयर सो इसीलिए ये फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कंटिन्यूएशन में रहा इसके बारे में आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल में तो एक रोलिंग प्लान आया बिकॉज ऑफ दिस एज आई टोल्ड यू जनता पार्टी ने इस फिफ्थ फाइव ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया और उन्होंने बोला हम 1978 में अपना प्लान खुद बनाएंगे बट क्योंकि बीजेपी पार्टी वन ईयर भी सर्वाइव नहीं कर पाई और इसलिए कांग्रेस पार्टी फिर से पावर में आई और उन्होंने जो बीजेपी पार्टी ने प्लान बनाया था उसको टर्मिनेट करके बोला कि हम अपना सिक्स प्लान 1980 से दोबारा से इनिशिएट करेंगे तो इसलिए जो बीच का ये टाइम पीरियड आया है फ्रॉम 1979 सेवनटी नाइन टू नाइनटी ये जो बीच में एक साल का गैप आया है इसे हम रोलिंग प्लान बोलेंगे रोलिंग प्लान इसलिए क्योंकि इस टाइम पे गवर्नमेंट्स के बीच में आपस में रोलिंग चल रही थी ठीक है तो इसलिए इस टाइम पीरियड को हम रोलिंग प्लान कहते हैं देन कम सिक्स फाइव ईयर प्लान फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन इस प्लान में भी मेजर फोकस पॉवर्टी रेडिकेशन रेडिकेशन पे ही था बट अब आपको टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस जैसे वर्ड्स भी दिखाई देंगे अब हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं इस प्लान का जो स्लोगन था इट वॉज गरीबी हटाओ इस प्लान ने बहुत एम्फेसिस दिया सोशो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशल इन द रूरल एरियाज रूरल एरियाज़ में पॉवर्टी और रीजनल डिस्पैरिटीज़ को रिमूव करना है ग्रोथ टारगेट इसका 5.2 परसेंट था अचीव किया 5.7 परसेंट सो यस दिस प्लान वाज सक्सेसफुल लेकिन इस प्लान के ड्यूरेशन में ही इन नाइनटीन एटी फोर दे वॉज द इंदिरा गांधी असैसिनेशन एंड उनके असैनेशन के जस्ट बाद उनके बेटे राजीव गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था सो दिस प्लान वॉज मोरोस अ सक्सेसफुल प्लान देन कम्स द सेवन फाइव ईयर प्लान विच इज़ नाइनटीन एटी फाइव टू नाइनटीन नाइन्टी तो यहाँ पे राजीव गांधी गवर्नमेंट काम कर रही थी दिस प्लान यहाँ पर रैपिड फूड प्रोडक्शन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिविटी पे फोकस आया द जवाहर रोजगार योजना रोजगार का मतलब होता है इम्प्लॉयमेंट तो रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना यहाँ पे इसका फोकस था इस प्लान की अगेन इसकी फोकस ग्रोथ मॉडर्नाइजेशन सेल्फ रिलायंस एंड सोशल जस्टिस भी थी तो अब आपको मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे अगेन ये प्लान एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था द टारगेट वॉज फाइव परसेंट एंड इट अचीव अ सिक्स परसेंट टारगेट अब आते हैं फिर से यहाँ पर आपको देखोगे टू एनुअल प्लान बनाए गए यानी कि नाइनटीन के बाद एट्थ फाइव ईयर प्लान नहीं आया ऐसा क्यों क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल सिचुएशंस बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थे बिकॉज ऑफ द राजीव गांधी असिनेशन इन 1991 एंड आल्सो द फाइनेंशियल क्रंच दैट इंडिया वाज गोइंग थ्रूट दैट टाइम पीरियड जैसे कि मैंने आपको बताया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने इंडियन गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर के लिए डोज बंद कर दिए वर्ल्ड के लिए डोज बंद कर दिए थे एंड द गवर्नमेंट टुक इंटायर यू नो बर्डन ऑफ द इकोनमी ऑन देम ओवर द फिफ्टी ईयर्स ये बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ता चला गया गवर्नमेंट ने फॉरन सेक्टर से इतना ज़्यादा लोन लिया हुआ था कि जितनी भी हमारी इनकम ग्रोथ हो रही थी वो सारी की सारी इनकम हमारी हमारे लोन्स के इंटरेस्ट पे ही जा रही थी लेट ए लोन हम लोन्स तो पे करना तो दूर की बात हम उसके इंटरेस्ट में ही इतने ज़्यादा दबते चले जाए थे सो इंडिया कुड फील दैट फाइनेंशियल क्रंच तो जैसे ही ये आ, और उस टाइम पर राजीव गांधी असैसिनेशन भी हुआ तो द पोलिटिकल सीनारी in the country was extremely poor. After the assassination of Rajiv Gandhi, P. V. Narsima Rao was made the Prime Minister and Doctor Manmohan Singh became the finance minister. And in Donone, टू इम्प्रूव द सिचुएशन ऑफ द कंट्री इंडिया में लॉन्च की एन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जिसे हम लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं यानी कि यहाँ पे आके फोकस आया कि इकोनमी को थोड़ा सा लिबरल करने की जरूरत है हमें बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है गवर्नमेंट को इतना बर्डन अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत सारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी जो कि लॉस मेकिंग थी कुछ भी वो इकोनमी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे एंड दैट वॉज अ टाइम पीरियड गवर्नमेंट रिलालाइज्ड दैट वी नीड टू ओपन अवर डोर्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड यानी कि अब ग्लोबलाइजेशन करने का टाइम आ गया है सो दिस वॉज अ टाइम पीरियड वन दो थिंग्स वर केम सो दो रोलिंग प्लान आए सो एट फाइव ईयर एट फाइव ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ पोलिटिकल सिचुएशन तो इसलिए दो एनुअल प्लान बनाए गए नाइनटीन नाइनटी टू नाइनटीन नाइनटी वन नाइन नाइन वन टू नाइनटीन नाइनटी तो उसके बाद नाइन में आया आपका एट्थ फाइव ईयर प्लान तो इस प्लान में मेजर प्रायोरिटी दी गई ह्यूमन रिसोर्सेज को यानी कि एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया न्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लॉन्च किया गया ये प्लान एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान था हमारा टारगेट था फाइव एंड वी रीच द टारगेट ऑफ सिक्स तो ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इसका बहुत ही मेजर रोल था इन द एथ फाइव ईयर प्लान Then comes the 9th five-year plan. In the 9th five-year plan, 1997 to 2002, mm. here the main focus was growth with justice and equity. Here also, agricultural rural sector was employment. a lot of focus. Diya gaya. The focus was on employment and eradication of poverty. Ensuring food and national security for all was the major focus. Here, uh, 7 minimum service plan is launched by plan government. In which, safe drinking water, health service, universalization of primary education and न्यूट्रिशनल सपोर्ट ये प्लान अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया दैट मीन्स हमारा टारगेट था सेवन परसेंट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने अपने लिए इतना हाई टारगेट लिया था बट हे फाइव पॉइंट सिक्स परसेंट का टारगेट अचीव कर पाए थे इसका रीज़न है द कारगिल वॉर इन नाइनटीन नाइनटी नाइन क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर अगेन एक बहुत ही मेजर वॉर हुई और जैसे मैंने आपको बताया था जब भी वॉर होती है सिचुएशन बहुत ही वॉलीटाइल हो जाती हैं गवर्नमेंट का पूरी इकोनोमी का फोकस डेवलपमेंट की जगह वॉर की तरफ जाता है तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट वॉज इन द पावर मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड इंडिया वॉज नॉट एबल टू अचीव द टारगेट देन कम्स द टेंथ फाइव ईयर प्लान टू थाउजेंड टू 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 थाउजेंड सेवन यहाँ पर फोकस आया पर कैपिटल इनकम का कि हमें अपनी पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना ही बढ़ाना है इंडिया ने एट परसेंट जी डी पी ग्रोथ का टारगेट रखा था यहाँ पर एंड लिटरेसी गैप्स और वेजेस गैप्स को फिफ्टी परसेंट रिड्यूज करने का एम था पॉवर्टी को रिड्यूस करने का एम था एम्फेसिस सोशल सेक्टर पर ग्रोथ टारगेट था हमारा एट परसेंट बट वी कुड अचीव सेवन पॉइंट टू परसेंट इट वज ऑल्सो अ डिसेंट ग्रोथ रेट इट वॉज नॉट वी कुड नॉट अचीव द टारगेट बट इट वॉज अ वेरी डिसेंट ग्रोथ रेट देन कम्स अलेवनथ फाइव ईयर प्लान टू थाउजेंड सेवन टू टू थाउजेंड ट्वेल्व ओके आई फोर टू मैंशन वन थिंग इन टेंथ फाइव ईयर प्लान टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड सेवन यहाँ पे भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुआ था जब ये प्लान स्टार्ट हुआ था तो बीजेपी गवर्नमेंट वॉज इन द पावर बट इन टू थाउजेंड फोर कांग्रेस पार्टी वन द इलेक्शन एंड दे केम इन टू दी पावर देन कम्स ए इलेवनथ फाइव ईयर प्लान टू थाउजेंड सेवन टू टू थाउजेंड ट्वेल्व यहाँ पे फोकस आया मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है सबको साथ लेके बढ़ना है ठीक है तो ये टारगेट यहाँ पे एट पॉइंट वन परसेंट टारगेट था एंड वी अचीव द टारगेट ऑफ सेवन पॉइंट नाइन परसेंट देन कम्स ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ सारे विलेजेस को कनेक्ट करना बाई रोज दिस वॉज अ टारगेट एंड प्रोवाइड एक्सेस ऑफ बैंकिंग सर्विस टू नाइनटी परसेंट ऑफ द इंडियंस बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल इक्लूजन पे बहुत ज़्यादा फोकस था फाइनेशियल इंक्लूजन क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया बट सिल आई टेल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज हैं इट शुड भी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल इक्लूजन तो दिस वॉज अ ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान बट वॉट हैपन इन द ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान

ये प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करेगा इट विल सर्व एज अ नॉलेज हब एक प्रोग्रेस को मॉनिटर करेगा पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाती है उसे इंप्लीमेंट करेगा प्राइम मिनिस्टर विल बी द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग यूनियन मिनिस्टर्स इसके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि आप उस पोजिशन पे हो बिकॉज ऑफ द बिकॉज ऑफ यू नो बिकॉज ऑफ सर्टेन यू नो

स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होंगे गवर्निंग काउंसिल इसमें सारे स्टेट्स के या यूनियन टेरेटरीज के चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेट गवर्नर्स होंगे वाइस चेयरपर्सन इनको अपॉइंट करेंगे प्राइम मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ फुल टाइम पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे मैक्सिमम टू मेंबर्स विल कम फ्रॉम वन सम ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अगेन एक्स ऑफिशियल जैसे मैंने आपको बताया अगर वो किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं देन ही बिकम्स अ पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द पार्ट टाइम मेंबर ऑफ द नीति आयोग इट्स लाइक दैट देन एक्सो एक्सोफिशियल मेंबर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से चार मेंबर्स आएंगे एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये भी प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे फॉर अ फिक्स टाइम पीरियड एंड जो भी इसके सी ई ओ होंगे वो ऑटोमेटिकली ही विल बिकम द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग दैन फंक्शन ऑफ नीति आयोग कोऑपरेटिव एंड कंपेटिटिव फेडरलिज्म इस वर्ड का मतलब समझते हैं फेडरलिज्म फेडरलिज्म का मतलब होता है जब गवर्नमेंट लेवल्स पे काम करती है जैसे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है एंड लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है तो ये जब गवर्नमेंट्स लेवल्स पे काम करती हैं मतलब इन गवर्नमेंट के पास इंडिविजुअल अपनी अपनी पावर्स हैं और इनके पास कलेक्टिव पावर्स भी हैं तो इसे हम बोलते हैं फेडरलिज्म तो कॉपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है सेंटर और स्टेट मिल काम करेंगे यानी कि कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे एंड कंपटिटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इनके बीच में आपस में कॉम्पिटिशन भी होना चाहिए हेल्दी कंपटीशन भी इनके बीच में आपस में होना चाहिए देन कम्स डी सेंट्रलाइज प्लानिंग यानी कि अब ऐसा नहीं है कि सेंटर ने प्लान बनाया और सब फॉलो करेंगे अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए प्लान बनाएगी और वो उसे सेंटर से अप्रूव करवाएंगे विजन एंड सिनारियो प्लानिंग हम मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्कस बनाएंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस में कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है और इसको इंश्योर करेगा नीति आयोग एंड मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बने हैं उनको उनको पहले तो इम्प्लीमेंट करना है और इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्हें मॉनिटर भी करना है और इवेलुएट भी करना है दीज आर द फंक्शन्स ऑफ नीति आयोग सो दैट्स इट नेक्स्ट टॉपिक इज अ ट्रैक सेक्शन इंडिया इसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सो दिस वीडियो में हमने डिटेल में पढ़ा है अबाउट द फाइव फाइव ईयर इकोनॉमिक प्लान ऑफ इंडिया आई होप यू अंडरस्टेड द वीडियो इसको एक बार दोबारा से देखना दोबारा से पढ़ना इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं यू you नो know, बीच में से एग्जाम्स uh, में क्वेश्चन आए भी हुए हैं इन द पास्ट ईयर्स पर्टिकुलर ईयर का प्लान को लेकर उसके ऊपर क्वेश्चन हैं सो डू स्टडी इट आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो आई होप यू लाइक द वीडियो प्लीज डू टेल मी द कामेंट सेक्शन हाउ डू यू लाइक इट एंड टिल देन कीप लर्निंग थैंक यू सो मच